दौसा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा को लेकर के भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर लगातार प्रत्याशी के नाम पर असमंजस बना हुआ है। वहीं पर विवाद को सुलझाने के लिए लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने विधायक ओम प्रकाश हुडला और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से एक साथ मुलाकात की कोशिश की, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने एक साथ चर्चा करने पर ऐतराज व्यक्त किया, जिसके चलते दोनों नेताओं ने अलग अलग मुलाकात करके जावड़ेकर ने विवाद खत्म करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि भाजपा ओम प्रकाश हुडला को दौसा से चुनाव लड़वाना चाहती है, जबकि किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी पत्नी गोलमा देवी के लिए टिकट की मांग की है। वहीं पर जावड़ेकर ने मुलाकात के बाद हुडला ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की। इस दौरान हुडला ने कहा कि उनका किरोड़ीलाल मीणा से कोई विवाद नहीं है और लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा कि दौसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की व्यस्तता के चलते नहीं हो पाई है और जल्द दौसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। माननीय जावड़ेकर साहब के यहाँ से संदेश मिला था कि हमें वहाँ पहुँचना है और हमें जानकारी मिली, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को भी उन्होंने बुलाया है। जावड़ेकर साहब का दोनों को एक साथ बिठा करके बात करके पार्टी हित में काम करने की इच्छा थी। मेरी भी इच्छा थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जो मेरे बड़े भाई हैं वो और हम दोनों एक साथ बैठें, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और शायद हम अलग अलग ही हमारी मुलाकात हुई। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से कोई व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। मैंने दो बार चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, दो बार जनता की जीत हुई। यहाँ कोई ओम प्रकाश हुडला की जीत नहीं है, मैं इसे आम जनता की जीत मानता हूँ, जनता के किए हुए कार्यों की जीत मानता हूँ। सर्व समाज जो दौसा का है पिछले 30 साल से पीड़ा उठा रहा था, जो एक गुंडा राज चल रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है ये जनता ने तय किया और तय करने के बाद आज आपके सामने परिणाम है, आम जनता देख रही है। हमारे जितने नामांकन भरने थे वो सब के नामांकन हमारे भरे गए और जो संख्या आई है नामांकन के समय दो तरह की व्यवस्था हुई। कई लोगों ने जरा 5-7 लोगों ने जाकर नामांकन किया, कई उन्हें पहले सभा की, कई उन्हें बाद में की, कई उन्हें कार्यालय खोलने के अवसर पर की, ऐसे सब की बड़ी सभाएं हुई हैं। उन सभाओं को देख कर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता में बहुत क्रेज है। और मैं बाड़मेर वगैरह उधर जाकर आ रहा हूँ जालौर, तो वहाँ जो गांव का आदमी है उसकी जो संख्या है वो बहुत अच्छी संख्या है और इसमें जो नौजवान है उनकी संख्या और भी ज़्यादा है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया चलते चलते, तो लोगों ने कहा हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि मोदी जी उम्मीदवार हैं कि नहीं हैं, लेकिन मोदी जी को वोट दे रहे हैं। ऐसे वायुमंडल भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हम सभी 24 सीट और हमारे अलायंस की सीट 25। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रौनक, आपको बता दूं कि अभी तक दौसा का फेस नहीं सुलझा है और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ओम प्रकाश हुडला और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान उनको समझाइश का प्रयास भी किया और जब दोनों नेता अलग अलग समय पर नेताओं से मिलकर निकले तो जब उनसे संवाददाताओं ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है और जो भी पार्टी फैसला लेगी उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन वही ओम प्रकाश हुडला ने चुटकी लेते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा बड़े नेता हैं और उनको मेरे साथ बैठकर पार्टी के बड़े नेताओं से वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने में भी शर्म आती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो इन दोनों नेताओं के बीच में मनभेद है मतभेद है वो खुलकर सामने आ गया और जैसा कि अब जो लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का नामांकन प्रक्रिया है वो बुधवार से शुरू होने वाली है और ऐसे में अभी तक दौसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी का नाम तय नहीं होना इस बात का प्रतीक है कि ये सीट का मामला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला के बीच रसाकसी में उलझा हुआ है। पार्टी के बड़े नेता भी इस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं, कई बार दिल्ली में बैठ के हो चुकी है। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश हुडला के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हाथ है।
वही डॉक्टर चोरीलाल मीणा के पीछे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हाथ माना जा रहा है, और यही कारण है कि जो ओम प्रकाश हुडला पार्टी से बगावत करके विधायक चुना गया है, और डॉक्टर चोरीलाल मीणा जो बीजेपी की सदस्यता पर राज्यसभा मेंबर चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनकी पत्नी और भतीजे ने चुनाव लड़ा है, पार्टी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात को तरजीह नहीं दी जाकर ओम प्रकाश हुडला को तरजीह दी जा रही है। तो ये इस बात को लेकर उनके समर्थकों में खासा गुस्सा है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता की बात को दरकिनार किया जा रहा है, वहीं जो पार्टी का भी मेंबर भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, उसकी बात को इतनी तवज्जो दी जा रही है कि टिकट पर फैसला नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कि बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन माना जा रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा ही नाम तय हो सकता है जिस पर फिर इन दोनों को काम करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक भी डॉक्टर चोरीलाल मीणा अपनी पत्नी गोलमा देवी को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं, वहीं ओम प्रकाश हुडला भी अपनी पत्नी को यहां से टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन इन आपस की लड़ाई में हो सकता है पार्टी आलाकमान को किसी तीसरे नाम पर विचार विमर्श करना पड़े, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है रामकिशोर मीणा का, जो पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं, जसकोर मीणा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, उनका नाम भी चर्चा में है, वो भी वहां से उम्मीदवार हो सकती है, और यदि इन दोनों ही नामों पर किसी तरह की सहमति नहीं बनती है तो वीरेंद्र सिंह मीणा जो पूर्व में वित्त राज्य मंत्री राजस्थान के रह चुके हैं, वसुंधरा सरकार में युवा है, नए चेहरे हैं, और उन पर भी दाव लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन दोनों नेताओं की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिले और तीसरे के नाम पर सहमति बन जाए, उसके नाम की घोषणा हो सके। रौनक नहीं, अगर बात की जाए तो अगर तीसरे का नाम अगर सामने आता है तो कहीं ना कहीं सरकार को वोट बैंक का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर चोरीलाल मीणा अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं मीणा समाज का वोट बैंक खिसक सकता है क्या? देखिए रौनक, सबसे बड़ी बात यह कि चोरीलाल मीणा भी सरकार में नहीं है, वो विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य है, तो सरकार पर चोरीलाल मीणा का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चोरीलाल मीणा अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब इन दोनों नेताओं में आपस में ही नहीं बनेगी तो दोनों एक दूसरे को हराने का काम करेंगे। ऐसे में देखिए, क्योंकि सामने वाला भी कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मीणा ही समाज के हैं, तो ऐसे में मीणा समाज के सामने जो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक दल की जो सीमाएं होती है, जिसको बीजेपी को सपोर्ट करना हो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, जिसको कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना हो कांग्रेस पार्टी को करेगा, जो तीसरे मोर्चे को कर रहा है तीसरे मोर्चे को करेगा, यदि पार्टी टिकट नहीं देती और डॉक्टर चोरीलाल मीणा की धर्मपत्नी गोलमा देवी जी निर्दलीय चुनाव लड़ती है, तो ऐसी दशा में जरूर मीणा समाज के सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि वो किसको वोट करे। हो सकता है फिर वो अपने नेता की पत्नी को वोट करने के लिए पार्टी की सीमाएं भूल जाए, लांग जाए, और जैसे कि पहले डॉक्टर चोरीलाल मीणा सांसद बने थे वैसा ही कुछ हो सकता है। इसलिए उनके समर्थकों को भी दबाव है, यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो गोलमा देवी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का दबाव बन रहा है, लेकिन क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य हैं, ऐसे में ये बड़ा फैसला लेना बड़ा विषय होगा। ऐसे में इस विषय पर वो जो फैसला लेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे को इसका फायदा मिलने वाला। रौनक बिल्कुल सही बात कही कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो सकता है। आपकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, फिलहाल हमारे संवाददाता थे जो पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि दो नाम आपको बताए थे, उन नामों के जरिए यानी कि दो की अगर लड़ाई हो रही है तो तीसरे ये नाम सामने आ सकते हैं।